स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यू लाइफ टिप्स चैनल में। तो चलिए जानते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या है बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की कब होगी परीक्षा शुरू, खबर देंगे विस्तार से। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट्स करा सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जानिए इस बार नहीं होगी क्या 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा, एक क्लिक में जानिए। बोर्ड परीक्षा की तारीख नहीं जारी होने की वजह से छात्र दुविधा में है, इसकी वजह से इसकी तैयारियां प्रभावित हो रही है। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर प्रयागराज के एक छात्र ने बताया कि एग्जाम की तारीख नहीं आने से तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों, जहां एक ओर कई राज्य बोर्डों द्वारा परीक्षा की तैयारियों का ऐलान किया गया है, वहीं कुछ राज्यों में बोर्ड परीक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा भी शुरू की गई है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं कर पाया है। जनवरी बीत जाने के बाद भी परीक्षा की तारीख नहीं आने से छात्र और अभिभावक परेशान है। बता दें कि हर वर्ष दिसंबर आखिरी या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाता था, लेकिन इस बार अभी बोर्ड के द्वारा अपडेट नहीं दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से परीक्षा को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा से परीक्षा की तैयारियों का ऐलान विधानसभा चुनाव की तैयारी घोषित करने के बाद किया जाएगा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो चुका है, जबकि बोर्ड परीक्षा अभी तक परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं कर पाया है। यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस के बारे में अगर जाने तो सभी छात्र अपने पैसों का स्टेटस चेक करें 2 मिनट में अपने फोन से। यूपी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा बड़ा अपडेट देखें। छात्र इस दुविधा में है कि कहीं परीक्षा बोर्ड की तैयारी और तारीख जारी नहीं होने की वजह से छात्र की पढ़ाई पर कोई असर ना हो, बल्कि इसकी तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। बता दें कि कई छात्रों को ये लग रहा है कि कोरोना के चलते इस बार भी परीक्षाओं को रद्द न कर दिया जाए। हालांकि इस बार भी परीक्षाओं के रद्द होने की उम्मीद बहुत कम है। बीते दिनों में शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड एग्जाम मार्च में शुरू होंगे और 15 दिन में खत्म कर दिए जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें आपको कि 10 फरवरी तक अंतिम सूची जारी की जाएगी और 20 मार्च तक ये परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। उत्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रयागराज अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं कर पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कोई भी तारीख का ऐलान नहीं आया है। तो दोस्तों, क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।